Hey guys, what's up? तो कैसे उम्मीद है कि मस्त होंगे, बेस्ट होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी कि आज मैं आपको बेसिक में कुछ बताने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, आज हम बेसिक में आपको बताएंगे कि नाउन का काम क्या है, ठीक है, और नाउन को समझने की प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नाउन का मुख्यतः पांच काम है। नाउन का कितना काम होता है? किसी भी सेंटेंस में मुख्यतः पांच काम होता है। पांच में से कोई एक काम करेगा, ठीक है, समझिएगा। नाउन जो है, हमने मैं ये बोल रहा हूँ कि नाउन जो है किसी भी सेंटेंस में या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा, क्या बनेगा, वो सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, या फिर वो ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है? नाउन का भी तीन काम। अच्छा, नाउन का दो काम और होता है। एक जो होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? क्या बनता है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। और एक जो होता है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या बनता है? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आपने देखा कि नाउन का कितना काम होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाउन का कितना काम होता है, बोलिएगा, पांच काम। या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा, या तो वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इतना से ज्यादा वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला नाउन कितना काम कर सकता है, बोलिएगा, पांच। पांच नाउन का या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट बनेगा या तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो कहिएगा सर, इस दोनों ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है? तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए, एक कॉम्प्लीमेंट का हिंदी क्या होता है मेरे दोस्त? कॉम्प्लीमेंट का जो हिंदी होता है ना, वो होता पूरा। क्या होता है? पूरा, पूरा करना। क्या करना? पूरा करना। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करेगा। तो कौन कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करेगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? सब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करेगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करेगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत? अच्छा, प्रेपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। हमारे साथ बोलिएगा, प्रेपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? प्रेपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बाबू बोलना, प्रेपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? प्रश्न सोचता है ना कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए दो तीन चीज। पहला चीज कि वर्ब के पहले आने वाले सभी वर्ब को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जिस वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होगा हम उसे क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब से पहले आएगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट। वर्ब से पहले आएगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट की जानकारी को पता करने के लिए हमने दो तरीका और निकाला। कितना तरीका और? दो तरीका। जो कौन एवं क्या का जवाब दे? सब्जेक्ट। जो कौन एवं क्या का जवाब दे? सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जो कौन, किसका कौन, कौन एवं क्या का जवाब दे क्या कहलाएगा? जल्दी बोलिएगा, सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जानकारी और आसान है। जो कौन के जगह पे हो जाएगा किसको, क्या, किसको एवं क्या का जवाब देगा वो क्या होगा? जल्दी बोलिएगा, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ये भाई मान लगा हुआ हम लोग रूम में, कहाँ है? रूम में है, ठीक है। अगर हम लोग रूम में है, ठीक है, बाहर से कौन है ठक ठक किया तो हम की पूछेंगे कौन, की पूछेंगे कौन, तो उन्होंने सारा हम शर्मा जी, क्या उधर से क्या जवाब आया? शर्मा जी। कौन का जो जवाब आएगा, सजीव की निर्जीव? सजीव। अरे शर्मा जी सजीव होंगे कि निर्जीव होंगे? सजीव। सजीव होंगे, ठीक है। अच्छा, यह क्या सर, ये सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव। क्या का जो जवाब मिलेगा वो होगा निर्जीव, और कौन का जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? सजीव। अच्छा, किसको, किसको, किसको का जवाब आएगा तो सजीव कि निर्जीव? सजीव। अरे आप किसको प्यार करते हैं? तो कोई सजीव है कि नहीं प्यार करिएगा? आदमी रहेगा तो कोई सजीव, ठीक है ना। अच्छा, आप क्या प्यार करते हैं? मामले हो जाएगा गड़बड़ ना, है ना, समझ रहे? यानी कौन सजीव के बारे में बताता है और क्या निर्जीव यानी नर नहीं को बताता है। किसको कहने का मतलब हुआ कि किसी सजीव को, और क्या कहने का मतलब क्या हुआ? निर्जीव को। एक बार फिर से हमारे साथ बोलिएगा,
जिससे सेंटेंस की शुरुआत होगा उसको की कहेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, भाव के ठीक पहले आएगा तो की कहलाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कि कौन एवं क्या का जवाब देगा क्या कहलाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको एवं क्या का जवाब देगा क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा भाव के कब आएगा बात आएगा भाव के क्या आएगा बात बात आएगा। भाव के बाद दो चीज आ सकता है या तो ऑब्जेक्ट आएगा या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। क्या क्या आएगा या तो ऑब्जेक्ट आएगा या तो वो क्या आएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको कौन सा ऑब्जेक्ट कहेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को कौन सा ऑब्जेक्ट कहेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। हमारे साथ बोलिएगा प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में मुझे सर एक चीज समझ में आया कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा। क्या होता है पूरा पूरा। ठीक है ना, सब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करेगा तो उसको की कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक बार हमारे साथ बोलिएगा, देखिए याद हो जाएगा बहुत मजा। जो सब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करेगा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करेगा वो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।